मिट्टी का जिन्ना मैं पहला खिलार लिया और कुटना जिन्हें शुरू करता आस्ते आस्ते जिन्ना मैं दो तीन फूट जिन्हें छोटे छोटे कुट लेना ताकि जिन्ना चार पंद्रह तंदूरिया की जिन्हें मिट्टी कुटी जाएगी या छियां की कुटी जाएगी। हाँ जी, तो मिट्टी बेह ली है और तकरीबन दो घंटे बाद जिन्हें गो के तो फिर सैकेंड टाइम जिन्ना बेगम तंदूर जिन लिंब लगेगी और पोचा जिन्ना बिजिया पे लेकिन जिन्ना मिट्टी कुटनी है क्योंकि नवे ही कपड़े नहाना जिन्ना मिट्टी मैंने इन्ना कुट ली है। कुट भी आया मिट्टी बेह भी आया सिप गए। चलो तेन मैं क्या सी ना क्योंकि इन्हें सितारिया के नाल जी मैच हो जानी तो बड़ी प्यारी लगेगी छेड़ दी जी खड़ी हुई इस जगह तो उधर कोई नहीं जो फ्लैक्सा इंशाल्लाह जी लग गई ना साइडा ते उस तू बाद जेना मतलब फ्लैशा तो जेना खर्चा होंदा ना इस तू बाद जेना इंशाल्लाह करांगे अदर जेना भी पैसे वगैरह जेने दे के दुकान वाले भाई उन्होंने जेना किराने वाले पैसे वो भी जेना दे के उस बाद तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये या इतना दी जेना 15 हज़ार तो उपर ही उन्होंने कि 80 हज़ार रुपये जेने लगेंगे वो भी लवाने नूं शटर नूं अंदरले बाद जेना लाख वो लाजमन जेना लवाने नूं लाख जेना इत्थे दीवार दे अंदर जेना लगेगा एक लाख शटर उतो कटी के ना ते विचों लाख जेना वेल्ड हो जाएगा तो इत्थे शटर दे अंदरले बार इत्थे दीवार दे विच जेना लगेगा ताकि बारों जेना जंदरे को तोड़ भी लगे ना जंदरा टूट भी जावे शटर नहीं ऊपर खुलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दुआ करना मेरे तमाम बहन भीरां जिथे रहो खुश रहन बाद रहन हमेशा से मुस्कुराते रहन और मैं भी सब तो पहले जेना कुटन लग्या मिट्टी क्योंकि अज मौसम जेना माशाल्लाह जेना ठंडा ठंडी हवा जेना चल रही है इस करके दुकान ते जेना बिठाया मैं अद्धा घंटा जेना बेगम नूं मैं इत्थे दुकान ते ख्याल रख्या कस्टमर कोई आया मैं बुला लवे मैं आखां मिट्टी कुट के जेना बेह लवां क्योंकि अगले दिन जेना मिट्टी कुटी सी ना चार तंदूर जेना उहदे लई बीह गए क्योंकि काफ़ी सारे जेने 10-12 घर जेना तंदूरियां जेना पुछ रहे ना ते उहनां नूं घर आए तंदूर जेने छोटे वो बना के देने और मिट्टी मैं आखां जेना पहले तो नहीं कुटी दी क्योंकि मौसम जेना गर्म हुंदा काफ़ी सारा लेकिन अज जेना ठंडा इस करके धुप है लेकिन जेन गर्मी बिल्कुल जेना महसूस नहीं हो रही है वो तकरीबन मैं चार पंजा तंदूर की जेना मिट्टी कुटनी ज्यादा जेना कोई नहीं कुटनी है और मुंज जेना टाल भी थोड़ा चाक जी साइड ते रख लेना पोचा भी चा लीए तो पोचा जेना बहर तंदूर जेना 3-4 पैन उन्होंने जेना पोचा भी लाना पोचा ला के तो सवेरे जेना मोटरसाइकिल इंशाला 2-3 तंदूर जेना लद के सवेरे फर्स्ट टाइम जेना लैके जावगा ना तो वह भी जेना दाने से इंशाला दे के आवेंगे और मैं भी इन्होंने डोडी जेना खाली खाली है और कट्ठे फुल जेने खिल रहे हैं 7-8 जेने और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मेहनत जेने साड़ी पूरी हो गई है। मैं भी इन्होंने जेना पानी ने भरना सी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया पानी जेने लाया कोई नहीं लेकिन रात को जेना सहरी टाइम बदल काफ़ी सारा जेना बने आया से सहरी तो पहले जेना 1 बजे आया से बदल मतलब कि जो सुबह तक जेना मौसम जेना उमें जेने रहा थोड़ी बहुत ही कड़ियाँ तो लेकिन जहाँ ज्यादा बारिश आई कोई नहीं मैं आख्या इधरों पानी जेना मैं पैंप ने ज्यादा ला पावा बारिश ज्यादा आ जाए फिर जो ज्यादा पानी ना बूटे कोई नुकसान ना हो जाए इस करके क्योंकि मैं सर्दियाँ ज्यादा पानी लाई रखा सी ना बूटियां तो दोवें बूटे जेना खराब हो गए इस वजह तो लेकिन कोई नहीं अज शाम जेना सारे बूटियां जेना पानी दे देवे अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मेरा मौसमी का फल जेना कामयाब हो गया बूटा और फलूटर जेना मेरा ये कामयाब नहीं हो रहा ना ही वह फुटक चाह रहा पानी भी जेना ठीक दिता खाद भी दीती है ना ही फोटक सही चाह रहा ना ही फल लै रहा पता नहीं और बूर एक थारू जी निकल तो रहा जी दुआ कर जे भी फल जेना लै लवे और अंब भी जेना माशाल्लाह जेना हूँ नवे पत्थर जेना सारे कढ़ रहा शायद इस साल जेना इन्हें तो बूर लगे कोई अंब जेना लगे क्योंकि बाजुकात जेना बड़े बूटियां तो जेना अंब लगते हैं लेकिन किधरे जेना देखने जेना मिल जाते हैं नर्सरियां जी या किधरे जेना बागां छोटे बूटियां भी जेना फल लगे हुआ होता हूँ वेखो ये हूँ अगले साल फल लवे या इस साल फल लवे कन्फर्म जेना कोई नहीं आर मैं सोटा जेना लभ लवान तो कम जेने इंशाल्लाह शुरू करने फिर चलने चल के जेना दुकान पर बहने और वरिया तो पानी जहाँ छिड़क लेंगे ताकि जेना वो वाली वरिया कुतर के मुंज जेना वो बना लवीए क्योंकि 10-12 दिन ही आने उस बाद जेना कणकों हाथ लग जाने उम्मीद आ दस आप एंड 15 दिन तक जेना कणकों हाथ लग जाने क्योंकि कणक हूँ माशाल्लाह जेना पीली लहर जेना मार रही मगर अब 2-1 हफ्ते जेना मसें जेना कढ़निया 2-2.5 हफ्ते जेना उस बाद हाथ कटाई जेनी शुरू हो जानी है तो उस तो बाद ईद तो बाद दाने की रिकवरी कर लेनी तंदूर की उस बाद जेना सीजन खत्म हो जाता है ईद घर ही कन्फर्म सीजन आ जो कणकों कटाई शुरू हो जाती उदो घर तंदूरियां एडिया खास जेना कोई नहीं लेंदे तो होटलों ने तंदूर जेने बिकते रहते हैं वो फिर जेने इतने बनाई रखा और जी और मिट्टी का जेना मैं पहला खिलार लिया कुटना जेने शुरू करता आस्ते आस्ते जेना मैं दो
तीन फूट जेना छोटे छोटे कोट लेने तक जेना चार पंद्रह तंदूरिया जेना मिट्टी कुटी जाएगी या छह की कुटी जाएगी इन्ने की तंदूरों के जेना मिट्टी कुट लेना तक जेना आसानी न पेज भी जाए कुटी भी जाए और गुमी भी जाए और बेगम जेना लिम भी लवे क्योंकि सीजन तो जेना ज्यादा मतलब तंदूर तोड़ना काफी जेना बना लेने जेना इन्ना काम जेना रोजन नहीं होंगे इस करके जेना थोड़ा बहुत जेना कर लेने और हूँ भी मतलब कि जेना थोड़ी जी मिट्टी कुट रहे अगो काम जेना बिल्कुल बंद पिया इस वजह तो और हूँ कुट रहे तक जेना सैकेंड टाइम जेना चार पाँच बजे जेना गो के दिन तंदूर जेना लिंब लवेंगे क्योंकि अगर शाम टाइम कुटा तो फिर अज की भी छुट्टी सुबह की भी छुट्टी हो सकती इस करके हूँ मैं आके जेना कुट लीए जेना सारी कुट ली है तीन पूरी जेना छोटे छोटे जेना कुटे ने तकरीबन जेने दी चार पाँच पाँच तंदूरिया बन जाने शायद छे भी छोटिया लिंबी छे लिंबी जानी अगर व्डे तंदूर लिंबी तो फिर जेना पाँच जेने लिंबी जाने जिन्हें क्या दरम्याने लिंबीजे खड़े न तो मैं भी हूँ पैंप जेना चला लव पानी पा दें और मिट्टी बेगम जेना आके बे लवेगी शायद मैं ही जेना बे देना मिट्टी और टमाटर भी जेने साढ़े तकरीबन हफ्ते तीन लगने जेने शुरू हो जाने इस बूटे से और पैंप जेना छिक लीए मैं जेना हूँ कर ली क्योंकि काम तो जेना धुप की वजह तो जेना हों ही कोई नहीं इस करके मैं अज जेना हवा ठंडी चली खोती है ना जेना को पाँच छे तंदूर जेना होर जेना बना ली ताकि जेना जिन्ने की दिप जाए उन्ने ही जेना फायदेमंद ने इस करके और बाल जेना मैं चला दिता पानी बरी जाता मैं उन्नी देर इतने छां से खलो के जेना कर लेना रेस्ट पानी बरीदा ना फिर जेना बेह के जेना दुकान चले जाने और गर्मी की वजह जेना फुल छोटे भी खिल रहे और बस एक दो दिन तक दिन मुरझा जाते हैं गर्मी की वजह तो सर्दियों फुल भी व्डे खिलते हैं लेकिन खिलते थोड़े ने लेकिन व्डे फुल जेना खिलते हैं सर्दियों से और अज कोई जेना सेल हुई ना क्योंकि पहले तो दिल से मतलब सेल करके कल जो समान उधार लैन देना कोई 26,000 रुपये उन्होंने जेना 26,000 तो उपर जेना कुछ नहीं उन्होंने जेना देने तो लेकिन जेना इधर बाई और भी जेना मंग रहे क्योंकि इन्होंने पहले तो जेना मैं कहा गीत तो बाद जेना दे देने एल सी डी का जेना बकाया रहा तो उन्होंने जेना 15,000 रुपये जेना बकाया रहा वह जेना कह रहे मैं उन्होंने कहा कि ईद तो पहले पिछले तो तुम जेना कारा किया ईद तो बाद जेना हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक जेना तुम मैं दे देंगे पैसे जेने जिन्हें कि एल सी डी के बचते हैं बकाया सारे तो लेकिन बाई और कह रहे हैं कि सानू जेना जरूरत आ तुम जेना कुछ सू पैसे जेना कर दो और अज शाम तक जेना कुछ सेल हुई क्योंकि चीनी भी जेना खत्म होने वाली आ अद्धी बोरी दुद्ध कम पई हुई है चीनी तकरीबन 15 किलो जेना पई हुई है 15-16 किलो चीनी होनी है तो चीनी भी जेना वो भी लैनी है लेकिन अज जी सेल हुई इन्हें दे देवे बाकी इन्हें रिक्वेस्ट करा कि तुम जेना ईद तो बाद जेना पैसे जेना दे देवे तो वह अज सेल वाह कर चौखे हो जाए ना अगर ज़्यादा सेल हुई तो अज इन्होंने सारे दे देने तो जिनी सेल हुई 4,000 होगी 5 होगी 3 होगी जिनी हुई इन्हें जिन दे देवे तो बाकी इन्होंने कहेंगे कि ईद तो बाद जेना दे लवेंगे और हूँ पानी भी जेना गर्म हो जाता सर्दियों से यहोजे पानी नानकान या मुँह हाथ धोन का दिल करता सी क्योंकि पैं पर खड़ोता हो पानी टेंकी जेना सुबह तो शाम की खड़ा रहे ना गर्म जेना हो जाता पानी तो बाल जेना मैं सोच रहा मैं मिट्टी बेनी शुरू कर देव तो पानी ज़्यादा हो गया तो बाल फिर बंद किन्ने करना चलो बेनी जेना शुरू कर लीए और बाकी बहने इंशाल्लाह बाकी दुआ कराया तुम भी सेल ज़्यादा तो ज़्यादा जेना हो दुकान की हाँ जी तो मिट्टी बे ली है और तकरीबन 2 घंटे बाद जेने गो के तो फिर सैकेंड टाइम जेना बेगम तंदूर जेने लिंब लवेगी और पोचा जेना बीजा पे लेकिन फिलहाल एंड हो गया हूँ जेना अफतारी तो बाद जेना बारले तंदूर जेना पोचा मार लवेंगे और एक गलती की नवे सूट ना जेना मिट्टी मैं कुट ली आ तो कपड़े भी जेने भी बदल लेने रेस्ट कर लेने उस बाद बदल लेने क्योंकि फिर हूँ जेना क्योंकि ज़्यादा अगर मैले हो गए ना तो खराब होवे इस करके याद नहीं रहा कपड़े चेंज करके जेना मिट्टी कुटनी है क्योंकि नवे ही कपड़े आना ना जेना मिट्टी मैंने इन्ना कुट ली है कुट भी आया मिट्टी बे भी आया सीप गए हाँ चलो ठीक तेन मैं कहा सी ना क्योंकि इन्हें सितारिया के नाल जेना मैच हो जानी तो बड़ी प्यारी लगेगी और वाकई जेना बड़ी प्यारी लग रही है हाँ ना इन्नी सोहनी लग रही हलीमा सादी नहीं जाफत मैं सौंगी हाँ चलो ठीक चलो
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਮਿੱਟੀ ਕੋਟ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਖਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੰਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆ ਚਲੋ ਤੇ ਲਾਕ ਜੇ ਰੱਖ ਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਣੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਲੈ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੀਟਰ ਇਧਰੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਆਣੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੇਪੀ ਪਈ ਹੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਸ ਇਹ ਚੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਕਟਾਈ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਪੀਸ ਇਕੱਠੇ ਗਾਹਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਪੀਸ ਹੋਏ ਪਏ 3 ਪੀਸ ਲੈ ਜਾਣੇ 3 ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਪੋਨੀ ਚਾਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਮੈਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕੋਟ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਲਸੀਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰ ਸੇਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਾ 15,000 ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ 4 ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਕਿ 5 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 16-17,000 ਰੁਪਏ ਆ ਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ 1,00,000 ਸ਼ਟਰ ਉੱਥੋਂ ਕਟੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਦਰੇ ਕੋ ਤੋੜ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਜੰਦਰਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼